दिल्ली में फिलहाल कुछ दिनों से बारिश जरूर रुकी है, लेकिन लगातार सड़क धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको नवादा की दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के साउथ वेस्ट का इलाका है और ये मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं नवादा का, जहां पर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही एक बड़ा गड्ढा, करीबन 12 फीट का गड्ढा हो गया। और बारिश का यहाँ पर कितना असर होता होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जगह बारिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस सड़क के ऊपर ही आपको मेट्रो स्टेशन की ये जो छत है वो दिखाई देगी। आसपास मेट्रो स्टेशन के यहाँ पर जो निकलने वाले रास्ते हैं वो बने हुए हैं, लिहाजा इस जगह पर पानी जमा होता होगा ऐसा कहना भी मुश्किल है। इस जगह को लेकर फिलहाल जो साउथ एमसीडी के मेयर हैं मुकेश सूर्यान, उनका कहना है कि जगह उनके अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि एमसीडी के दायरे में नहीं आती है और ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। दिल्ली सरकार जिसके लिए जिम्मेदार है, लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में सामने आती जा रही हैं, लिहाजा यहाँ पर अब जिम्मेदारी बताना जरूरी है कि किसकी जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी सरकारों को अब लेनी भी पड़ेगी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस सड़क को भर दिया गया है, करीबन दोपहर को ये जो सड़क है 12 फीट लंबा यहाँ पर गहरा गड्ढा हो गया था। फिलहाल करीबन 8 बजे तक इस जगह को भर दिया गया है, ट्रैफिक यहाँ पर बाधित नहीं है। करीबन 2 लेन की सड़क पर एक लेन जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन कितनी परेशानी यहाँ पर हुई होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब 12 फीट का गड्ढा हो जाता है और वो भी मुख्य सड़क पर, जिसे लगातार आप देखेंगे कितना ट्रैफिक इस सड़क पर चल रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसे में जब सड़क धंसती है तो कई सारे सवाल उठते हैं, जो कई सारे सवाल आम लोगों के मन में उठते हैं कि आखिर जो वो टैक्स दे रहे हैं, आखिर वो जो यहाँ से रोज निकलते हैं उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है। इसी के साथ में दिल्ली सरकार का भी हमने पक्ष जानने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं बोली है। लेकिन मेयर ने साफ किया है कि ये जगह दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और मेयर के यानी कि एमसीडी के अंतर्गत ये जगह नहीं आती है, और उन्होंने साफ सफाई को लेकर कई बार दिल्ली सरकार को इस बारे में नोटिस भी दिया था। क्यों इस बारे में कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह की घटना क्यों दिल्ली में हर बार बढ़ती जा रही है, अब जब बारिश रुकी भी हुई है तब भी इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।